सकता हूँ। हर जगह मीणाओं का राज हो गया, मैं सही बताऊँ। अगर आंगनबाड़ी में औरतें भी है ना, जो भी मीणाओं की है। सर कांग्रेस हमारा कुछ काम भी नहीं करती है। हमारे बालाजी के पास में एक रोड पड़ा है, कम से कम 30 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक बना नहीं है। कोई आदमी मर जाता है और उसको शमशान घाट में उसको जलाने के लिए जगह नहीं। वोट की जरूरत पड़ती है तो कटोरों लेके हमारे सामने आ जाते, गिड़गिड़ाते, भीख मांगते, तो भी फिर राजस्थान इलेक्शनों में आज स्थित हमें दौसा विधानसभा सीट पर बीजेपी से जगमोहन मीणा और कांग्रेस से है वो डीसी बेहरवा मैदान में। तो आज स्थित हम बड़ा गांव के जमीली जो तालाब है, डैम है, उसी पर, और उस पर कुछ युवा है, युवा साथी है, वो नारे एंजॉय कर रहे, क्योंकि दिवाली की छुट्टियों के बाद है, काफी जो युवा है वो गाँव आए, तो आज उसी डैम पर स्थित है। और उनसे भी जानेंगे कि क्या माहौल है, चुनावों में किस तरह की चर्चा हो रही है, किस कैंडिडेट के लोग फेवर करते हैं, किसकी तरफ है वो समर्थन ज्यादा जा रहा है। तो तमाम जो युवा देख रहे हो आप, ये है डैम पर जो नहाने के लिए आए, एक एक करके हम सभी से जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जय सिंह है मेरा नाम। जय सिंह, हाँ। गाँव कौन सा है आपका? गिरधरपुरा। गिरधरपुरा, आपका नाम? विश्राम। आप इसी गाँव से? हाँ सर। गौतम सिसोदिया। गौतम सिसोदिया, आप कौन? गिरधरपुरा गाँव है, पास में। जल सिंह सिसोदिया। जल सिंह सिसोदिया। नवीन खारवाल। नवीन खारवाल। विकास सिसोदिया। विकास। विशाल खारवाल। विकास खारवाल, सिसोदिया खारवाल ज्यादा है। दिनेश सिसोदिया। दिनेश लोकेश सिसोदिया। अच्छा, महेश सिसोदिया। महेश सिसोदिया। रिंकू सिसोदिया। रिंकू सिसोदिया, यानी सिसोदिया और खारवाल ज्यादा है। और नहाने के लिए आए? नहाने के लिए आए सर। अच्छा, दीपावली करने चल रही है, इस वजह से नहाने की एंजॉय कर रही है। अच्छा, सबको तैरना आता है? यस सर। अच्छा, सबको सबको आता है तैरना? सबको बिल्कुल आता है। यानी देखो, छोटे से बड़ा सभी को तैरना आता है। गांव में सबसे बड़ी खासियत बात है कि जो चलना सीख गया, जो तो तैरना सीख गया। सही बात है, सही बात है। अच्छा, अभी अगर बात करें हम चुनावों की, तो क्या माहौल है चुनावों का? चुनाव माहौल बढ़िया है सर। अच्छा, हाँ। कौन निकल रहा है आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र से जगमोहन जी मीणा। जगमोहन मीणा, बीजेपी? यस सर, बीजेपी। बीजेपी, हाँ बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से? कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस मतलब वोट? सर कांग्रेस हमारा कुछ काम भी नहीं करती है। हमारे बालाजी के पास में एक रोड पड़ा है, कम से कम 30 साल हो गए, बढ़ते मुरारी लाल जी जीते थे जब से बोल रहे थे, लेकिन वो अभी तक बना नहीं है। 30 साल के बाद आके 3 बार बोली तो ये रोड नहीं बना भाई। अच्छा, रोड नहीं बन रहा? 4 बार MLA बनने के बाद ही मुरारी लाल मीणा ने हमारे बालाजी के रोड नहीं बनाया। इसी बात से इस बार हम बीजेपी में वोट देंगे जगमोहन मीणा को। मुरारीलाल मीणा जी उस टाइम बालाजी में जाके खुद बोले थे, तो आज भी रोड नहीं बना, वो आज भी कच्चा ही पड़ा है। आज भी कच्चा है, यानी कि आप देखोगे, आप भारत देश में आज भी बुनियादी समस्याओं की दरकिनार है, रोड, पानी, शिक्षा, ये एक जनरल चीजें है, लेकिन फिर भी वो भी है। हाँ। दूसरी बात, जिलमिली डैम को जरा हुआ था, मुरारी लाल मीणा ने ऐसे बोले कि 200 ट्रॉली मिट्टी पड़केंगे। हाँ। उसने एक भी ट्रॉली मिट्टी नहीं पड़की। यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आए हैं। हाँ। तो वहाँ यहाँ पर आकर उसने 50 ट्रॉली मिट्टी पड़काई है। अच्छा, यानी बारिश में ये डैम है जो झड़ने लग गया, फूटने की कगार पे आ गया था। हाँ। लेकिन जो कह रहे की मुरारी लाल मीणा ने आके, हाँ हाँ बताइए, जहाँ मतलब कोई आदमी मर जाता है और उसको शमशान घाट में उसको जलाने के लिए जगह नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जो उसका रास्ता बनाएगा उसको वोट मिलेगा, कौन सी पार्टी हो उसको तैयार करेगा उसके लिए वोट चाहिए। यानी पूरे गांव में आप कह रहे हो कि शमशान घाट नहीं है? शमशान घाट का रास्ता ही नहीं है। शमशान घाट नहीं है, रास्ता नहीं है? रास्ता भी नहीं है, शमशान घाट भी नहीं है। जो उसका परिग्रह करेगा, परिग्रह उसको चाहिए, वो वोट मिलेगा। अच्छा, यानी कि कितने घर की आबादी है अगर बात करें, जनसंख्या कितनी है? कम से कम जनसंख्या 1000 लोगों का वोट है वहाँ पर। 1000 लोगों का वोट है। और अभी मेरे चाचा जी का लड़का खत्म हुआ था, जो इतने पानी में उसको शमशान घाट तक पहुँचाया गया है, लकड़ियों के कैसे न कैसे दुख संपदा से पहुँचाया गया उसके। यानी कि पूरे गांव में आज भी शमशान घाट नहीं है, ना कोई रास्ता है? रास्ता है, पर दाब रखा है गाँव वालों ने, कोई छोड़ा नहीं। मतलब दुनिया में जितने भी शमशान घाट है ना, उनमें सब में मतलब कोई किसी में बाउंड्री हो गई, टाइलें लग गई, और वहाँ जरा अपने मतलब जाने के लिए रास्ता भी नहीं है इस टाइम। अगर बरसात हो गई ना तो मतलब लाश को जला भी नहीं सकते, इतना पानी में। हम हमारे चाचा का लड़का को लेके गए थे, इतना पानी लेके गए थे उस पानी के अंदर से। यानी आप कह रहे हो कि आपके गांव में, हम उसको आपकी वीडियो दे सकते हैं इस टाइम। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि हमारे गांव में विकास नहीं है, ना रोड है, ना शमशान घाट के लिए जगह। और अगर सरकारी चिकित्सालय की बात करें, उसमें क्या हुआ है कि आज से मतलब 30 साल पहले सरपंच आए थे ना, जो शमशान घाट को किसी के नाम कर दिया। अच्छा, वो नाम कटवाना चाहते हैं हम, किसी और के नाम हो गई, वो जमीन है शमशान घाट की। अच्छा, सरकारी जमीन किसी के नाम कर दी? हाँ, किसी के नाम कर दी।
और उसमें अभी वो बाउंड्री नहीं बनी है। एमएलए के द्वारा बड़े बड़े लोगों के साहबों के द्वारा उस जमीन को आना जो मीणा हड़प ली उसको। तो मेरे हिसाब से मुरारी लाल मीणा चार बार आ चुके हैं यहाँ पर, इस गिरधरपुरा गांव के अंदर कोई भी काम नहीं करवाया। आज तक का रिकॉर्ड है चार बार मुरारी लाल मीणा यहाँ पर एमएलए रह चुका है दौसा के अंदर, जो एक बार तनिक भी वोट लेने के लिए आ जाता है भीख मांगनी कटोरे के लिए कटोरे लेकर, और काम नहीं करवाते। दोबारा आके भी नहीं देखते हैं गिरधरपुरा गांव है कि नहीं, ऐसे बोलता है कि हम जानते नहीं गिरधरपुरा गांव कौन सा है। अच्छा। मैं समस्या तो ये, अगर उनके घर जाए तो गिरधरपुरा गांव कौन सा, गिरधरपुरा गांव नहीं जानते, हमको नहीं जानते वोट देने वालों। और वोट की जरूरत पड़ती है तो कटोरे लेके हमारे सामने आ जाते, गिड़गिड़ाते भीख मांगते, तो भी फिर हम सोचते अब की बार, इस बार नहीं किया तो अब की बार करेगा कुछ न कुछ। बिल्कुल हाँ, तो भी अब की बार भी नहीं किया। वो बढ़िया हुआ जो इसने लोकसभा का चुनाव जीत गया, हमारी पंचायती का मसला उसको भूल जाग के बैठा है। हमारी सरपंच विजय लाल बेरवा है जिसकी आईडी को ब्लॉक कर रखी है, वो भी बेचारा कुछ काम करता तो उसकी आईडी को ब्लॉक कर रखी है, 5 साल हो गया कुछ भी काम नहीं किया। सरपंच साहब को दूसरा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमारा एमएलए है जो ही नक्रम आया बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो एक तरह से कहा जा रहा है कि आप भेदभाव किया जा रहा है आपके गांव के साथ, यानी जितने भी जातिवाद किया जा रहा है। क्यों आप वोट नहीं करते थे? क्या वोट करते थे पहले, अपना उसके कर्मों के अनुसार नहीं करते है। अच्छा, वो जातिवाद ज्यादा करता है, अपना अपना करता है, हमको दूसरा मानता है, वोट नहीं पड़ता हमारे पास आ जाता, फिर बाद में नहीं आता। यानी आप कह रहे हैं कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा गाँव में जातिवाद करते थे और इसी वजह से हमारे गाँव में विकास नहीं कर रहे? हाँ, विकास नहीं कर रहे कुछ भी। तो ये चीजें आज कब से हो रही है? ये मैंने तो ये 2011-12 के आसपास से ही देख रहा हूँ मैं, तो जिस टाइम में सुर संभाला उस टाइम से देख रहा हूँ। मुरारी लाल मीणा भेदभाव ज्यादा ही करता है हमारे साथ, तो बिल्कुल नाइंसाफी करता है, नाइंसाफी करता है। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल। अब तो सर वो तो मुरारी लाल के बाद पहले एक बार पहले मुरारी लाल जी मैदान में थे, वो उन्होंने सीट ये छोड़ दी, अब है डीसी बैरवा मैदान में। तो क्या डीसी बेरवा से आपको उम्मीद नहीं है? डीसी बेरवा भी मुरारी लाल का ही चेला है, उससे भी कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। हमारे तो जगमोहन लाल मीणा है, उसी को वोट देंगे बीजेपी के अंदर, फूल कमल का बटन दबाएंगे, ये हमारे सिसोदिया समाज की प्रतिज्ञा है और इसको पूरा करेंगे। जगमोहन मीणा को एमएलए बनाएंगे दौसा विधानसभा क्षेत्र में, और जगमोहन मीणा हमारे गांव में आएंगे, हमारे गांव की समस्याओं को सोल्व देखेंगे, फिर उसको जिताएंगे, फिर वो हमारी समस्याओं को सोल्व करेगा। इसी में धन्यवाद। अच्छा, यानी कि आप डीसी बैरवा से नाखुश है? नाखुश। और जो कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस ने, डीसी बैरवा हो या कोई अन्य हो, आप कांग्रेस पार्टी से नाखुश है? हाँ, नाखुश है, कांग्रेस पार्टी में वोट देना नहीं चाहते। आपको क्या लग रहा है बीजेपी आपका काम करेगी? बीजेपी अगर बीजेपी वाले काम करेंगे ना तो हम वोट देंगे बीजेपी को। अच्छा, एक बार क्या उसको देख ले बीजेपी को भी, भाई 4 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं तो अब की बार बीजेपी को देख ले बीजेपी क्या करती है। अच्छा, ये भी तो भेदभाव चाहिए ना, पलटा होते हैं और चीज पलटा होता, राजनीति में बदलाव होना चाहिए और उसकी जरूरत भी है, उसी से जरूरत पड़ती है। युवा पीढ़ी जागृत नहीं होगी ना, जब तक कुछ भी नहीं होगा हमारे गांव में, एक देश में, देश भी उद्धार नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरे को तो 30 साल हो गए देखते। ये है युवा, क्या नाम बताया आपका? जय सिंह नाम है मेरा। जय सिंह जी कह रहे कि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे देश में कुछ बदलाव नहीं होगा, गांव में कुछ बदलाव नहीं होगा, पंचायत में कुछ बदलाव नहीं होगा। ये सही बात है, क्योंकि जब तक है युवा आगे नहीं आते कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई क्योंकि रोता रहो चिल्लाते रहो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है बोलने का ही मतलब नहीं है। ये बात है, हमारे गांव में आंगनबाड़ी है तो उसमें जो कार्यकर्ता है वो खुद जाके दोसा बैठ गई है, हमको कोई भी सहन कराना पड़ता है, लेडीज के टाइम डिलीवरी के टाइम तो हमको दोसा बुलाते हो कुल मिला के, यहाँ आके सहन करा के लेके जाओ, तो हम हर एक काम के लिए 150 रुपए का तेल बाल के दोसा जाना पड़ता है, ड्यूटी न्याय करती है रहती है दोसा, हर काम के लिए हमको दोसा जाना पड़ता है, हर जगह मीणा होकर आज हो गए। मैं सही बताऊँ इस कारण से, अगर आंगनबाड़ी में औरतें भी है ना जो भी मीणाओं की है, जो यहाँ रहती है दोसा रहती है सब, और आंगनबाड़ी नहीं खोलती है। अच्छा। बच्चे भी बच्चे जाते हैं और मास्टर उनको पकड़ देते हैं क्योंकि स्कूल में नहीं बैठने नहीं देते, और आंगनबाड़ी में बैठ सकते हैं वो आंगनबाड़ी वाली आती नहीं है, जो बच्चे कहाँ रुकेंगे वापस घर आ जाते हैं। यानी कि बच्चों को भी संभालने के लिए आंगनबाड़ी जो लगाए गए हैं केंद्र बनाया उनमें कोई बैठता ही नहीं है, जो आंगनबाड़ी के बच्चों का पोषा आ रहा है वो घर ले जाएगी, बच्चों को खिलाया जाता है, खुद डांडा खिलाती है। तो आप देखिए नेताजियों जो चुनावों में खड़े होते हैं, बीजेपी से है या कांग्रेस से हो, किस तरह जो युवाओं का गुस्सा है सिस्टम से भी नाराजगी है, और किस तरह जो ग्राउंड में हकीकत है, रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, आंगनबाड़ी की समस्या हो या शमशान घाट की समस्या हो, ऐसी तमाम समस्याएं वो आज भी है गिरधारीपुरा गाँव में, और वो गुस्सा कायम है युवाओं में, क्योंकि वो जो पहले यहाँ पर जो कांग्रेस से थे उम्मीदवार उन पर
जो काफी नाराज है क्योंकि विकास नहीं कराया था और इसी वजह से शायद इस बार वो बदलाव चाहते हैं, एक नया नेता चाहते हैं, एक नई पार्टी चाहते हैं और उन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखकर वो चुनाव में वोट करेंगे। तो आज स्थित है हम डैम पर जहाँ काफी युवा है जो आए हुए, उनका गुस्सा लाजमी है, उसका वीडियो भी हम दे सकते हैं। अच्छा, जिसने हमारे एक बच्चा खत्म हुआ था और उसको पानी में लेके गए थे, उसका वीडियो हम आपको लाइव दिखा सकते हैं। बिल्कुल लाइव, पूरे पूरे हिंदुस्तान में दिखा सकते हैं उसको लाइव। बिल्कुल हमारे पास लाइव वीडियो है। डेड बॉडी को वहाँ पटकने के बाद रास्ता बनाया कड़े सूखे पानी में, हमने अपने कंधों पर इतने इतने डूब के फिर ले गए थे लकड़ियों को, उन सबको पंगत लगा के कम से कम 60 आदमी और जब जाके लकड़ी पहुंचाई थी हमने वहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह के हालात है अभी भी, किस तरह के हालात है गांव में। और शायद वही है जो चुनावों में निकल के आते हैं, युवाओं का गुस्सा है वो धरातल पर आता है और कहीं ना कहीं वो वोटों के रूप में वो नाराजगी जाहिर होती है। जी नमस्कार जी, आओगे एक बार खड़े होगे प्लीज? हाँ हाँ हाँ, एक बार आइए आइए, एक बार आइए। कौन सा गाँव है आपका? यही गाँव है? अच्छा, क्या समस्या? ये लोग बोल रहे सही बात है, सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। ठीक है, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। तो आप देखेंगे ये डैम है, बड़ा गांव का डैम, झिलमिली किस का? झिलमिल तब बांध कहते हैं इससे, और काफी भरा हुआ है इस बार, करीब 14 से 15 फीट है वो भर गया है। और आसपास के जो ढाणियों के ग्रामीण के युवा है, गांव के लोग है, वो नहाने के लिए आते हैं इससे और दिन भर अठेकलिया करते हैं। दिवाली पे लोग आए हुए घर पे, तो आके वो नहाने के लिए। इसके साथ साथ वो चुनावी चर्चा भी हुई थी, काफी गुस्सा है यहाँ के लोगों में और वो इस चुनावों में निकल के सामने आएगा। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, दौसा।